नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme 7 Pro के बारे में। दोस्तों आज मैं आपके सामने ये फ़ोन Realme 7 Pro इसके दोस्तों दो बैक कवर की अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए इनमें से कौन सा कवर बेस्ट रहेगा, आपको किस तरह का कवर अपने फोन पर लगाना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने दो कवर की अनबॉक्सिंग करूँगा जिसमें दोस्तों आप जानोगे कि अगर आप कोई बैक कवर लेना चाहते हो अपने Realme 7 Pro के लिए तो आपके लिए कौन सा बैक कवर बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पर दोस्तों दोनों जो कवर हैं काफ़ी अलग अलग क्वालिटी के हैं, क्योंकि वैसे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट दोनों दोस्तों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो आपको जो होना चाहिए वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास Realme 7 Pro, ये देखिए, और मेरे पास दोस्तों इसके दो बैक कवर हैं जो दोस्तों दोनों ही अलग अलग क्वालिटी के हैं, पर दोनों ही दोस्तों बैक कवर काफ़ी अच्छे हैं। तो आज मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि आपको इनमें से कौन सा बैक कवर लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए पहला बैक कवर है ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर है दोस्तों। ये कवर मुझे दोस्तों इस फ़ोन के साथ ही मिला था, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन के साथ जो कवर मिलते हैं दोस्तों वो आपको बाज़ार से नहीं मिल पाएगा, वो आपको मार्केट से ही मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले ही एक गिवे बैक कवर मंगाया है एक अपने एक फ्रेंड के लिए सेम यही, जिसके दोस्तों आपका जो ख़रीदने का लिंक है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको इस फ़ोन पे इसको लगा कर दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो देखिए दोस्तों ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पर दोस्तों जो एकदम पतला नहीं है, ये थोड़ा हैवी कवर है जिससे दोस्तों आपके फ़ोन को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। तो देखिए जी हमारे फ़ोन पर दोस्तों ये कवर हो गया, कवर लग गया, और आपके दोस्तों जो कैमरा है उसको भी दोस्तों सपोर्ट करता है चारों तरफ से। ऐसा नहीं है कि कैमरा का बम बाहर निकल रहा है तो वो कवर की वजह से ही बाहर निकलेगा, ये उस बम को भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये नीचे पोर्ट्स होते हैं उनको भी दोस्तों ये कवर करता है, ये देखिए चार्जिंग वाले को। तो ये काफ़ी अच्छा बैक कवर है जी, हमें इस फ़ोन के साथ में बॉक्स के अंदर मिलता है, बट इस कवर को आप दोस्तों बाज़ार से भी खरीद सकते हो अलग से, जिसका ख़रीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये ऐसा कवर है जिसमें दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो कलर होता है बैक कलर होता है दोस्तों, ये बैक का जो कलर होता है वो आप इस पर क्लियर देख सकते हो। इसमें दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे बैक कवर पसंद आते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों हमारा पूरा फ़ोन क्लियर दिखता है, जैसे बिना कवर के होता है सेम वैसे ही दिखने लगता है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा बैक कवर दिखाता हूँ जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और उसमें दोस्तों अगर आपका फ़ोन ज़मीन पर गिर भी जाता है तो दोस्तों आपके फ़ोन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए जी है वो दूसरा बैक कवर जिसके बारे में बात कर रहा था, आप देख सकते हो उसका कैमरे का बम कितना निकला हुआ है कवर का भी, और दोस्तों काफ़ी हैवी है ये देखिए, ये देखो। और दोस्तों जो साइड होती हैं साइड जे वाली ये रबड़ की होती हैं, ब्लैक पट्टी आप देख रहे हो चारों तरफ जे, तो मैं आपको इस पर लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए फिट हो गया और आपका फ़ोन दोस्तों काफ़ी हैवी सा लगेगा, यानी दोस्तों आपका फ़ोन अगर गिर भी जाता है यूँ गिरे कैसे भी गिरे और यूँ भी गिरता है पट, तो दोस्तों इसका जो ये कवर की पट्टी है जिस बाहर की तरफ निकली हुई है डिस्प्ले से आ गए तो आपका फ़ोन गिर भी जाता है तो भी दोस्तों इसके ऊपर ही वजन पड़ेगा, आपकी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी, और पीछे दोस्तों ऐसे गिरता है तो भी दोस्तों आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा क्योंकि कवर दोस्तों काफ़ी हैवी है। और दोस्तों इन दोनों का क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों को ट्रांसपेरेंट कवर पसंद आते हैं तो आप पहले वाला कवर देख सकते हो, और काफ़ी लोगों को दोस्तों इस तरह के कवर पसंद आते हैं स्मूथ कवर तो आप इसको देख सकते हो। दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और दोस्तों दोनों को ख़रीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आपको अगर इनमें से कोई कवर चाहिए तो आप दे सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप इनमें से कोई कवर अपने मार्केट की जाके परचेस करते हो ऑफलाइन मार्केट से तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ते मिलेंगे। इसकी दोस्तों प्राइस ऑफलाइन में 100 रुपये है इस वाले की, और दोस्तों जो अभी मैंने दिखाया था उसकी शायद 80 या 90 रुपये है, बट अगर आप इन्हें फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो दोस्तों जी आपको 250 रुपये समथिंग मिलेगा, और जो अभी ट्रांसपेरेंट दिखाया था मैंने वो मिलेगा दोस्तों आपको करीब 150 या 140 रुपये के समथिंग। तो दोनों दोस्तों काफ़ी अच्छे कवर हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।